हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, तो हम लोगों ने अल्बर्ट हॉल देख लिया था और अब हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट प्लेस पे। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। सो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं सिटी पैलेस ऑफ जयपुर एंड इससे आगे की प्लेसेस जो भी हैं वो इसके पास में ही थी, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। जंतर मंतर भी जस्ट सामने ही है एंड हवा महल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सनलाइट की वजह से ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है, एक बार मैं बैक कैमरे से भी आपको दिखाती हूँ। एंड आई मस्ट से अपना राजस्थान का जो आर्किटेक्चर है बिल्डिंग्स का वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और जितनी भी ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है उन सब में वो बहुत अच्छे से दिखता है। गाइज, यहाँ पे मोस्टली कैमरा अलाउ नहीं था, जहाँ पर भी डिस्प्ले के लिए हिस्टोरिकल थिंग्स रखी हुई थी वहाँ पे कैमरा हम लोग ऑन नहीं कर सकते थे, नो शूटिंग। एंड बट जो अदर प्लेसेस थी वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की है तो हम वो देखेंगे। वेपन्स देख लिए हैं, अब जा रहे हैं आगे। यहाँ पे क्या है? ये वॉशरूम है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए, ये बराबर है और हम तीन जनों ने और भीड़ भड़ाई है यहाँ पे आके। कहाँ से स्टार्टिंग है इसको? यहाँ से भी तो वही जा रहे हैं। एंड गाइस, ये है दीवाने आम। उस टाइम पे राजा नॉर्मल पब्लिक की प्रॉब्लम सुनने के लिए इस जगह पे आया करते थे। बहुत ही सुंदर झूमर लगे हुए हैं ऊपर। गाइस, यहाँ पे दो सिल्वर वाटर कंटेनर्स भी रखे हुए हैं जिनकी कैपेसिटी 4000 लीटर्स की है। ये पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये किसी भी पहले से इस एरिया को बोलते हैं प्रीतम निवास चौक एंड यहाँ पे चार छोटे गेट बने हुए हैं जो कि चार ऋतु और गॉड्स को प्रेजेंट करते हैं। एंड ये है चंद्र महल जहाँ पर आज भी जयपुर की रॉयल फैमिली रहती है। जा रहे
गाइस यहाँ पर भी कैमरा अलाउ नहीं था, तो आपको अगर देखना है अंदर क्या है तो आपको आना होगा सिटी पैलेस जयपुर में, तभी आप देख पाएंगे। भूख, मुझे बहुत भूख लग रही है, हम आए थे तब से भूख लग रही है यार। आपको इन लोगों ने अलग झंडा लगा रखा जयपुर का, मेवाड़ का ही थोड़ी है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाकी की प्लेसेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि जयपुर व्लॉग का लास्ट पार्ट होगा। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।